नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया का नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। गाजा में हुई छापेमारी में इजरायली सेना ने 3 बंधकों को गोली मार दी है। दावा यह किया जा रहा है, इजरायली सेना ने यह कबूल किया है कि गलती से 3 बंधकों की फायरिंग में मौत हो गई है। इजरायली सेना ने बयान भी जारी किया है कि हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। 3 बंधकों की मौत के बाद इजराइल की राजधानी तेल अबीब में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इन लोगों की मांग है कि हमास के कब्जे में बचे बंधकों को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक्शन लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किल ये हो गई है कि उन्हें बंधकों को भी छुड़ाना है और युद्ध विराम भी नहीं करना है। इस बीच इजराइल हमास युद्ध को लेकर आलोचना झेल रहा अमेरिका डैमेज कंट्रोल में उतर आया। गौतम हैम, उम्र 28 वर्ष, समीर अल तलालका, उम्र 25 वर्ष, अलोन शमरिज, उम्र 26 वर्ष। तीनों युवक हमास के आतंकवादी नहीं है, फिलिस्तीनी नहीं है, बल्कि इजरायली है। इजरायल की सेना ने अपने ही 3 नागरिकों को गोली मार दी। क्यों, कहां और कब की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। गाजा सिटी के शेजैया इलाके में एक ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सैनिकों को लगा कि ये लोग उनके लिए खतरा है। गोली मारने के बाद जब शवों के पास पहुंचे तो मारे गए लोगों की पहचान के बारे में संदेह हुआ। बाद में पता चला कि वो इजराइल के ही नागरिक है। मतलब चूक हुई, इजरायली डिफेंस फोर्स की गलत पहचान के चलते की गई फायरिंग में इजरायल के 3 युवकों की मौत हुई है। इन 3 युवकों का 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजरायल से अपहरण कर लिया गया था। शोजाया में जब इजरायल सेना ने फायरिंग करनी शुरू की तो इजरायल के ही 3 बंधक चपेट में आ गए और मारे गए। अब आलम यह है कि इजरायल में हंगामा खड़ा हो गया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हंगामा पसरा है। नाराज लोगों ने तेल अवीव में इजरायली सेना के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रदर्शन किया है। लोग हाथों में बंधकों की तस्वीर लिए और दिल में दर्द लिए अपनों को जल्दी से जल्दी छुड़ाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF से हो गई है बड़ी चूक। इजरायली डिफेंस फोर्स जमीन पर गाजा को जला रहा है, इंच दर इंच हमास के लड़ाकों की तलाश कर रहा है, जो मिलकर उन्हें ठिकाने लगा रहा है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई है जिससे पूरा इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ दिखने लगा है। इस घटना के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हाय तौबा मची है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक हमले में 3 बंधकों को मार डाला है। हमास की कैद में छटपटाते बंधकों को हमास की नहीं इजरायली सेना की ही गोली लगी है। इस घटना के बाद इजरायल में मातम पसरा है। अमेरिका ने कहा है बहुत दुखद हुआ। Heartbreaking. It's tragic, this news coming out of Gaza today about these hostages being killed in the conduct of a raid. I want to be careful here not to speak to too many specifics because we don't have perfect visibility on exactly how this operation unfolded and how this tragic mistake was made. But obviously, this is not an outcome that anybody wanted to see. युद्ध में गलती होना सामान्य घटना है, लेकिन 3 बंधकों के मारे जाने से इजराइल की जनता गुस्से में दिख रही है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के 240 लोगों को बंधक बना लिया था। युद्ध विराम के दौरान हमास ने 105 बंधकों को छोड़ा। इसके बाद कहा गया कि हमास के कब्जे में अभी भी 137 बंधक बचे हुए हैं जिसे छुड़ाया जाना है। अब खबर आ रही है कि बंधकों में से 3 को इजरायली सेना ने ही गलती से मार डाला।
बंधक संकट बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गया है। बेन्यामिन नेतन्याहू देश विदेश से इस दबाव में है कि आम फिलिस्तीनियों की हत्या से इसराइल को बचना चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि युद्ध और बंधकों की रिहाई एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हमास युद्ध विराम चाहता है और इसराइल इस युद्ध विराम के लिए राजी नहीं है। इस बीच बंधकों की जान हमास की बंदूक की गोली में अटकी है। बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए इतना ही नहीं, एक और ताजा मुश्किल आ खड़ी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, राष्ट्रपति बाइडन ने इसराइल को जो मशविरा दिया है उसे आपको भी बहुत ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। गाजा में जारी अंधाधुंध बमबारी के कारण इसराइल दुनिया का समर्थन खो रहा है। अमेरिका की यह चिंता इसलिए है क्योंकि अमेरिका के संघ के कारण ही इसराइल पूरे अरब वर्ल्ड को चैलेंज करते हुए गाजा में बमबारी कर रहा है। बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, महिलाओं और बच्चों की मौत देखकर दुनिया का कलेजा मुंह को आ रहा है। अमेरिका अब इस युद्ध में खुद को अलग खड़ा दिखाना चाहता है। इसराइल का साथ हर कदम पर देने वाले अमेरिका ने दो टूक क्लियर कर दिया है कि इसराइल को चुनिंदा ठिकानों पर हमले करने चाहिए, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारना चाहिए, लेकिन उस दौरान नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए। इतनी कैटेगरी वाला हमला युद्ध में नहीं होता, लेकिन कूटनीति में होता है। अमेरिका यही कर रहा है। युद्ध खत्म करने की इतनी जल्दी अमेरिका को होती तो ना लाल सागर में और ना ही भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत पहरा दे रहे होते। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम के खिलाफ वीटो नहीं करता। अमेरिका इसराइल को बेहद सस्ते और हर संभव हथियार सप्लाई नहीं करता। लिहाजा आम फिलिस्तीनियों की मौत पर बाइडन के आंसू घड़ियाली है, जिनका जमीनी युद्ध से कोई सरोकार नहीं। अमेरिका कल भी इसराइल के साथ था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसकी गारंटी है। क्यों, अमेरिका की क्या मजबूरी है, इसे विस्तार से आगे बताएंगे। अभी इसराइल के नागरिकों के एक और प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। इन लोगों की मांग है कि युद्ध विराम तत्काल लागू हो। We will only see peace when everybody has equal rights and freedom, and we can't have peace unless this happens. If one people have rights and the other people are oppressed, there won't be justice and there won't be peace. युद्ध शुरू होने के बाद से ही अब तक इसराइल के हमले में गाजा में कम से कम 18,700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों की संख्या 51,000 के करीब है। सिर्फ 24 घंटे में इसराइल ने हमास के 10 और लड़ाकों को मारने का दावा किया है। वहीं हमास के हमले में 1400 इसराइली मारे गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को अमेरिका की नई सलाह सुनिए। That you know we can necessarily make some sort of broad judgment about the specific circumstances here and what that says about the ability for them to be more surgical and more precise. I would add that you know when they went into North Gaza, they went in with a much smaller footprint and they were able to conduct smaller scale, smaller unit operations than what they had originally planned to do. अमेरिका क्या चाहता है, युद्ध की दशा और दिशा पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा। इसराइल और हमास के बीच शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही। इजरायली सेना के विमान लगातार हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में बम बरसा रहे हैं। युद्ध की वजह से मासूमों को जान गंवानी पड़ रही है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के मिशन ने कहा है कि इसराइल को अपने अवैध व्यवहार को लेकर नतीजे भुगतने का डर नहीं है। मिशन ने सुरक्षा परिषद से कहा है कि इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसका कहना है कि युद्ध विराम की मांग के बाद भी इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़कर काम कर रहा है। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की है। इस दौरान गाजा में लोगों को भेजे जाने वाली मानवीय मदद को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात में आम नागरिकों की सुरक्षा को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, लेकिन इस जोर का नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हेल्थ सिस्टम के बर्बाद होने पर चिंता जताई है। गाजा में 36 अस्पताल थे, जिनमें से सिर्फ 11 ही कुछ हद तक काम कर रहे हैं। इन अस्पतालों में 50,000 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गाजा में 22,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। इसकी वजह से 19 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए हैं, जो गाजा की आबादी का 85% हिस्सा है।
बेघर हुए लोगों को सर्दी और बारिश जैसे बुरे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर पूरे अरब वर्ल्ड में एक भी देश ऐसा नहीं निकला जो इजराइल को आम फिलिस्तीनियों की किलिंग से रोक सके। हालांकि किलिंग रोकना तो दूर, ईरान जैसे देश ने तो हमास का साथ देने से ही इनकार कर दिया। लेबनान के हिजबुल्ला के हमले और यमन से हूथी विद्रोहियों के हमले इजराइल युद्ध में एक डिग्री भर का फर्क नहीं ला सकते। कहा जा रहा है कि गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा होगी तो 40,000 होगी, लेकिन मौत और मातम पूरा गाजा भूख रहा है। इस बीच ईरान से एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, ये ऐसी खबर है जिसने इजराइल में तहलका मचा दिया है। ईरान ने अपने यहाँ इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक एजेंट को फांसी दे दी है। ईरान ने आरोप लगाया है कि मोसाद का वो एजेंट उसकी जासूसी करके इजराइल को सारी खुफिया जानकारी पहुंचा रहा था। ईरान के सैक्शन से इजराइल से उसकी दुश्मनी और गहरी होना तय है। और ईरान ने ये धमकी भी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पर हमले बंद नहीं किए तो बहुत बड़ा धमाका होगा। अगर ईरान ने यह धमाका कर दिया तो उसकी मचाई हुई तबाही के आगे गाजा की बर्बादी भी बौनी साबित होगी। मरने वालों की तादाद हजारों में नहीं लाखों में पहुंच सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? ये धमाके तो बहुत छोटे हैं, बड़ी फिल्म का छोटा सा ट्रेलर है। असली धमाका तो अब होने वाला है और धमाका करेगा ईरान। ईरान ने अगर बम फोड़ा तो वो दुनिया का आखिरी बम धमाका भी साबित हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा ब्लास्ट होगा जो पूरी दुनिया की चीथड़े उड़ा देगा। ऐसा ब्लास्ट जिससे बचना नामुमकिन होगा। डर है कि ईरान सीधा परमाणु बम फोड़ेगा और वो परमाणु बम का टाइमर सेट कर चुका है। ईरान गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। गुस्से में उसने अपने दोस्त चीन से फोन पर बात की और साफ साफ कह दिया है कि इसराइल ने गाजा में अब हद पार कर दी है। उसने ईरान के सब्र का बांध तोड़ दिया है, इसलिए अब बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। در حمایت از غزه اقداماتی انجام داده میشه و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه هر آن امکان یک انفجار غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل در منطقه وجود داره. این چیزیست که آمریکایی‌ها تا امروز درک نکردن و چنانچه درک نکنن پیامدهای اون دامن آمریکا رو هم قطعاً خواهد. ईरान के विदेश मंत्री ने अपने बयान में धमाका शब्द का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे तमाम पश्चिमी देश खौफ से भर गए हैं। सब सोच में पड़े हैं कि ईरान किस धमाके की बात कर रहा है, आखिर उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है। डर जताया जा रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो नहीं बना लिया। ईरान करीब दो दशक से चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है, मगर ये बात वो मानता नहीं। वो कहता है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का हथियारों से कोई लेना देना नहीं, उसका परमाणु कार्यक्रम एकदम शांतिपूर्ण है। मगर करीब 6 साल पहले इजराइल ने बाकायदा सबूतों के आधार पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भंडा फोड़ किया था। एक किताब में दावा किया गया है कि 2018 में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट चुपके से ईरान की राजधानी तेहरान के पास एक खुफिया ठिकाने में घुस गए थे। वहां उन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे टॉप सीक्रेट फाइलें चुरा ली थी जिनमें ईरान के परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम का पूरा कच्चा चिट्ठा था।
इसी साल मई में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने अपना एक परमाणु प्लांट जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिसाइलें भी उसे भेद नहीं सकती। एसोसिएटेड प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान तेहरान से करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी सुरंगें। यह गहराई इतनी ज्यादा है कि माना जा रहा है कि अमेरिका के बम भी ईरान की सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। यूरोप के भी कई देशों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहती है कि ईरान परमाणु बम बनाने के इतने करीब पहुंच चुका है कि वो बहुत जल्द अपना पहला परमाणु बम टेस्ट भी कर सकता है। ईरान के परमाणु प्रोग्राम की जांच कर रही है संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का तो दावा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए इतना यूरेनियम जुटा चुका है कि महज 12 दिन में परमाणु बम बना डालेगा। ये दावे डरावने हैं क्योंकि जब से हमास ने इसराइल में घुसकर हमला किया है तब से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से पूरी दुनिया का ध्यान हटा हुआ है। ईरान के जिस परमाणु कार्यक्रम से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें नहीं हटती थी वो युद्ध की रिपोर्टिंग में लगा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे अमेरिका और इसराइल जंग में उलझे हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान इसी बात का फायदा उठाकर चोरी छिपे धड़ल्ले से परमाणु बम बनाने में लगा है। सवाल ये है कि क्या 7 अक्टूबर को हमास से इसराइल पर हमला करवाना ईरान की सोची समझी साजिश का हिस्सा था ताकि वो पश्चिमी देशों का ध्यान हमास में भटकाकर आराम से अपना परमाणु बम बना सके? क्या बीते 2 महीने से ईरान परमाणु युद्ध की प्लानिंग कर रहा है? ईरान ने यूं ही तो धमाके की धमकी नहीं दी होगी, जरूर उसके हथियारों के जखीरे में ब्रह्मास्त्र आ गया है। ईरान की धमकी का मतलब है पत्थर की लकी, अब वो दोबारा नहीं चेताएगा बल्कि सीधा अटैक करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने फोन पर चीन के विदेश मंत्री से ये भी कहा कि गाजा की जंग पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुकी है, अभी तो बस लेबनान का हिजबुल्ला और यमन के हुथी विद्रोही हमास के साथ खड़े हैं, आगे चलकर कई और देश इस जंग में कूद जाएंगे। ऐसे में अगर इसराइल ने अब भी हथियार नहीं डाले तो फिर जंगों का ऐसा विस्फोट होगा जिसमें पूरा का पूरा पश्चिम एशिया तबाह हो जाएगा। फोन पर चीन के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को समझाया कि गाजा की जंग का सिर्फ एक ही समाधान है और वो ये है कि इसराइल के साथ फिलिस्तीन के लोगों को भी उनका देश दिलाया जाए। मगर ईरान इसराइल को खत्म करने की कसम खाए बैठा है। वो पहले ही 2 टूक कह चुका है कि पूरे फसाद की जड़ ही इसराइल है, इसलिए जब इसराइल नक्शे से मिटेगा तभी पूरी दुनिया में शांति आएगी। ईरान आर या पार के मूड में नजर आ रहा है। अब तक उसने इसराइल के खात्मे की बस दुआ की है, इसराइल को धमकियां दी हैं और हमास और हिजबुल्ला से उस पर हमले करवाए हैं, मगर कभी इसराइल से जंग के मैदान में सीधे सीधे 2-2 हाथ नहीं की। ऐसे में अब अगर ईरान युद्ध लड़ने उतरता है तो ये उसकी इसराइल से पहली और आखिरी जंग भी साबित हो सकती है। ये ऐसा युद्ध हो सकता है जो ईरान या फिर इसराइल को मिट्टी में मिलाने के बाद ही खत्म होगा, क्योंकि ईरान के जंग में उतरने का मतलब होगा तीसरा विश्व युद्ध जिसमें एक खेमा होगा अमेरिका और इसराइल का और उनके खिलाफ खड़ी होगी उनके दुश्मनों की बहुत बड़ी टीम, ऐसी टीम जिसमें ईरान तो होगा ही, उसके साथ होगा चीन और उन दोनों का दोस्त रूस भी। अगर ये युद्ध हुआ तो शायद दुनिया ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि इन सभी देशों के पास दुनिया को खत्म कर देने वाले खतरनाक परमाणु बम हैं।
अमेरिका के पास 5,224 परमाणु बम हैं और उसके साथ ही इसराइल के पास 90 और इनके साथ खड़े रूस और चीन के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। उसके परमाणु बमों की संख्या 5,889 है। यह आंकड़ा अमेरिका के परमाणु हथियारों से भी ज्यादा है। वहीं चीन के पास 410 परमाणु बम है। ऐसे में अगर अपनी ताकत की नुमाइश की कोशिश और दिमाग की गर्मी में परमाणु बम चलाने का फरमान पास हो गया तो तबाही मच जाएगी। ईरान ने तो इसराइल को आखिरी धमकी दे डाली है। इस बीच तुर्की से इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। खबर है कि 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, उस दिन हमास का चीफ इस्माइल हानिया तुर्की में ही था। अमेरिका के मीडिया को दिए इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बयान दिया है उससे इस खबर की पुष्टि होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने 7 अक्टूबर को हानिया के तुर्की में होने की बात से इनकार नहीं किया है। अगर ये खबर पक्की है तो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका और पूरे के पूरे नेटो के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल पर हमास के अटैक का मास्टरमाइंड तुर्की था? क्या 7 अक्टूबर को कतर नहीं तुर्की में बैठा था हमास का चीफ इस्माइल हानिया? क्या 7 अक्टूबर को तुर्की में बैठकर इसराइल में खून खराबे का जश्न मना रहा था हानिया? क्या तुर्की की जमीन से रची गई थी इसराइल पर हमास के हमले की साजिश? क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने सुनाया था हमास को इसराइल में कत्लेआम मचाने का फरमान? इन सवालों ने अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के 31 देशों को हिला दिया है। पूरे के पूरे नाटो में हड़कंप मच गया है। तुर्की ने एक बार फिर नाटो देशों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। नाटो को तुर्की वो विभीषण बनता दिखाई दे रहा है जो उनके 74 साल पुराने सैन्य गठबंधन की कब्र खोद सकता है। तो क्या इसराइल की जंग नाटो के टुकड़े टुकड़े कर देगी? जिस नाटो की बुनियाद करीब 2 साल से जारी यूक्रेन के युद्ध में नहीं हिली, उसके वजूद पर महज 2 महीने पहले शुरू हुई गाजा की लड़ाई ने तलवार लटका दी है और नाटो का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा हो गया है खुद नाटो का सदस्य तुर्की। तुर्की इस जंग में खुल्ला खुल्ला हमास के साथ खड़ा है और इसराइल पर आग उगलने में लगा है। अब खबर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 7 अक्टूबर के दिन जब हमास के करीब 3,000 लड़ाके इसराइल में घुसे थे, उस दिन हमास का चीफ इस्माइल हानिया तुर्की में बैठा था, जबकि अब तक ये माना जा रहा था कि हानिया कतर में छिपा हुआ है। इसराइल पर हमले के दिन हानिया के तुर्की में होने की खबर को तब और हवा मिल गई जब अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस बात से सीधे सीधे इनकार नहीं किया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि वो नहीं जानते कि 7 अक्टूबर को हानिया कहां था। हो सकता है वो तुर्की में हो, मुद्दा ये नहीं है।
कि हमास के नेता किस वक्त कहां है। मुद्दा यह है कि हम इस जंग को कैसे रोकें। तुर्की के राष्ट्रपति के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर के इस बयान ने अमेरिका और नेटो के जेहन में तुर्की के खिलाफ काफी वक्त से पैदा शक को पुख्ता कर दिया, क्योंकि हमास के नेता बेधड़क बिना किसी रोक टोक के तुर्की में जब चाहे आ सकते हैं, जब चाहे वहां से जा सकते हैं। तुर्की में उनके स्थायी ठिकाने हैं और खुद तुर्की के राष्ट्रपति के हमास के नेताओं के साथ निजी रिश्ते हैं। अभी जुलाई में ही इस्माइल हानिया इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति से भी मिला था। इसीलिए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और सुरक्षा एजेंसी शिन बेत हमास के नेताओं को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग में है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति ने इसराइल को सीधी धमकी दे दी थी कि अगर तुर्की की जमीन पर हमास के नेताओं को एक खरोच भी आई तो इसराइल को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की वैसे है तो नाटो का सदस्य, लेकिन नाटो के बाकी दोस्तों से उसकी कुछ खास नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि नाटो की अगुवाई करने वाले अमेरिका तक को आंख दिखाता है और उनकी बात नहीं मानता है। यहां तक कि जर्मनी से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते नहीं है और ग्रीस से तो उसकी जंग होते होते बची है। नेटो देश जो रास्ता पकड़ते हैं तुर्की उससे बिल्कुल उल्टी चाल चलता है। यूक्रेन के युद्ध में भी तुर्की ने यही किया। नेटो देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाया, मगर तुर्की ने रूस पर प्रतिबंध लगाना तो दूर, तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से रिश्ते भी नहीं तोड़े और रूस से गैस खरीदनी भी जारी रखी। अब गाजा की जंग में भी तुर्की का स्टैंड नेटो के स्टैंड से बिल्कुल अलग है। इसराइल पर हमला होते ही अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे बड़े बड़े नेटो देश हमास पर बुरी तरह भड़क गए थे। बिना वक्त गवाए उन्होंने इसराइल से हमदर्दी जताई और इस लड़ाई में उसके पीछे खड़े हो गए। हमले के चंद दिन के अंदर अमेरिका के बाइडन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के ऋषि सुनक और जर्मनी के ओलाफ शॉल्स इसराइल का साथ देने, उसका हौसला बढ़ाने के लिए सीधा इसराइल पहुंचे और हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। मगर तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तायिप एर्दोगान ने तो इसराइल को ही आतंकी देश बता दिया है। वो इसराइल पर थमथमाए हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू को गाजा का कसाई बुला रहे हैं। एर्दोगान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने गाजा में जिस बेरहमी से मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा है उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलेगा। और इसराइल के कूटनीतिक रिश्तों में पहले से ही खटास थी और गाजा की जंग ने दोनों देशों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। अमेरिका ने हमास को आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, मगर हमास तुर्की का दोस्त है। दोनों के रिश्ते बरसों पुराने हैं। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, और खुद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान तो फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने हमेशा फिलिस्तीन की अलग देश की मांग का समर्थन किया है। अमेरिका तो ये तक दावा करता है कि उसके पास सबूत हैं कि तुर्की फंड जुटाने में हमास की पूरी तरह मदद करता है। इस वजह से अमेरिका तुर्की पर हमास के रिश्ते तोड़ने का जबरदस्त दबाव बनाने में लगा है, मगर तुर्की के सिर पर तो जू तक नहीं रेंग रही है। उल्टा तुर्की हमास के लड़ाकों को फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहे स्वतंत्रता सेनानियों का तमगा दिए बैठा है। तुर्की कहता है कि वह हमास के नेताओं से इसलिए बातचीत करता है क्योंकि वह जंग रुकवाना चाहता है और शांति चाहता है। यहां तक कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और एर्दोगान की फोन पर बात हुई तो एर्दोगान ने उन पर ही गाजा की जंग रुकवाने का दबाव डाल दिया।
तुर्की के इन्हीं तेवरों ने अमेरिका और नाटो के सिर में दर्द किया हुआ है। इसलिए सवाल ये है कि फिर भी अमेरिका तुर्की के आगे बेबस क्यों है, क्यों वो तुर्की के नखरे सह रहा है? तो ये बात है कि अमेरिका और नाटो का तुर्की के बिना गुजारा नहीं और तुर्की उनकी इस मजबूरी का फायदा उठाने में लगा है। दुनिया के नक्शे पर तुर्की की लोकेशन उसकी बहुत बड़ी ताकत है। तुर्की नाटो देशों के दक्षिण पूर्वी बॉर्डर पर है, यानी यूरोप के आगे पश्चिम एशिया और भूमध्य सागर तक नाटो और अमेरिका की पहुंच बनाने के लिए तुर्की अहम जरिया है। तुर्की नाटो के लिए काला सागर में घुसने का भी रास्ता है और रूस को घेरने के लिए काला सागर बेहद जरूरी है। और फिर तुर्की नाटो का वो सदस्य है जिसके पास अमेरिका के बाद इस मिलिट्री अलायंस में दूसरी सबसे बड़ी सेना है। और तो तुर्की नाटो के लिए जमीन पर और समंदर में भी अड्डे मुहैया करा सकता है। ऐसे में नाटो और अमेरिका तुर्की जैसे देश को खोने का खतरा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनके रूस और चीन जैसे सबसे बड़े दुश्मन तुर्की को अपने खेमे में लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तेरह दिसंबर को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला अब एक राजनीतिक मामला बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद बीजेपी ने उनको टारगेट पर ले लिया है। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक के पीछे बेरोजगारी को वजह बताया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को शर्मनाक करार दिया है। राहुल संसद की सुरक्षा पर सियासत कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस केस की जांच को लेकर कई टीमें अलग अलग सूबों में गई हैं, साथ में आरोपियों को भी ले जाया जा रहा है। हालांकि संसद में सुरक्षा का मुद्दा ऐसा है जिसका फायदा कांग्रेस बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर लेना चाहती है और यही आरोप राहुल गांधी पर लगाया जा रहा है। अनुसंधान अपने जगह पे लॉजिकल एंड तक जाएगी, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। छले हुए मोबाइलों में है संसद कांड का पूरा राज। आखिर ललित झा के पीछे असली चेहरा कौन है? क्या इस असल चेहरे का राज भी जले हुए मोबाइल में ही है? आखिर नीलम, अमोल, मनोरंजन और सागर को संसद के अंदर जाकर हंगामा खड़ा करने और संसद का सुरक्षा चक्र तोड़ने के लिए किसने प्रेरित किया? क्या इसकी भी पूरी जानकारी जले हुए मोबाइलों में ही है? अगर कई महीनों से संसद के अंदर उपद्रव करने की यह साजिश रची जा रही थी तो इसका मतलब साफ है कि इन सभी मोहरों के पीछे कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर है, क्योंकि संसद के अंदर घुसकर स्मोक स्प्रे का इस्तेमाल कर पूरे देश को हैरान करने की इतनी बड़ी साजिश किसी संगठन के आम कार्यकर्ता के बस की बात नहीं है। एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से सच उगलवाने में लगी है, तो वहीं इस मामले के मास्टरमाइंड ललित की पूरी कुंडली भी खंगाली जा रही है। यही नहीं, इस मामले पर अब जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और बीजेपी के बीच अब ये मुद्दा सिर्फ संसद की सुरक्षा में चूक या शांति व्यवस्था को भंग करने या अशांति पैदा करने का ही नहीं है, ये सिर्फ संसद में उपद्रव का मुद्दा नहीं है। अब राहुल गांधी इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या इस राजनीतिक मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भविष्य में इस्तेमाल करना चाहती है। आखिर क्या है राहुल गांधी का वो बयान जिस पर बीजेपी का विरोध शुरू हो गया है? बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर क्या पलटवार किया गया है? ये सारे बयान आपको सिलसिलेवार आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महेश की, क्योंकि पूरे मामले में सबसे ताजा गिरफ्तारी महेश की ही है। कौन है ये महेश और क्यों इसकी गिरफ्तारी को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, इस पर पहले बात करेंगे।
महेश की लोकेशन राजस्थान के नागौर में पाई गई थी और इस संसद कांड में महेश का रोल संसद कांड को अंजाम देने वाले सभी उपद्रवियों के लिए रहने का इंतजाम करना था। इतना ही नहीं, महेश वही शख्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के साथ मिलकर संसद कांड आरोपियों के मोबाइल भी नष्ट कर दिए हैं। मामले को आगे विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर पूरी घटना को समझना पड़ेगा। दरअसल 13 दिसंबर को सागर और मनोरंजन नाम के दो आरोपी संसद के अंदर घुस गए थे और संसद में दर्शक दीर्घा से लोकसभा सांसदों के फ्लोर की तरफ कूदकर सीटों पर चढ़ गए थे। उसी वक्त संसद के बाहर भी स्मोक स्प्रे छोड़ा जा रहा था, यानी उस वक्त 13 दिसंबर को दो लोग संसद के अंदर उपद्रव मचा रहे थे, सागर और मनोरंजन, और तीन लोग संसद के बाहर मौजूद थे, नीलम, अमोल शिंदे और ललित झा। अब बड़ी बात यह है कि बेहद शातिर ललित झा मौके से फरार हो गया था और वो सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल शिंदे के मोबाइल लेकर फरार हुआ था। पूछताछ से पता चला है कि ललित झा ने इन चारों ही मोबाइलों को राजस्थान ले जाकर जला दिया है। जैसा कि आरोपी दावा कर रहे हैं कि ये मामला साधारण विरोध प्रदर्शन का है, तो आखिर मोबाइलों को जलाकर ललित झा और ये चारों आरोपी क्या छुपाना चाहते थे? दरअसल मोबाइल में ही इस पूरे मामले के बड़े राज छुपे हो सकते हैं और अब नष्ट हुए मोबाइलों के टुकड़ों से क्या कोई मदद मिल सकती है, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये उठता है कि क्या मोबाइल में कुछ संवेदनशील दस्तावेज थे जिसकी वजह से मोबाइल को जलाया गया? क्या मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या कोई डिटेल सबूत मौजूद था जिसकी मदद से पूरे केस में मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है, या कोई ऐसी जानकारी जो उस बड़ी मछली तक जांच एजेंसियों को पहुंचा सकती है? इतना ही नहीं, महेश वही शख्स है जिसने इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे ललित झा के साथ मिलकर संसद कांड आरोपियों के मोबाइल भी नष्ट कर दिए हैं। इस फैन पेज का एडमिन कौन था, इसकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन क्या इसी फैन पेज के माध्यम से लोगों को जोड़कर उपद्रव की साजिश रची गई, ये बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस को कुछ सोशल मीडिया ऐप में ऐसे चैट भी मिले हैं जिसमें की क्रांति करने के दावे किए जा रहे हैं। क्या इस तरह की कथित क्रांति से देश में हिंसा या उपद्रव पैदा करने की कोई साजिश थी, ये जांच का विषय है। संसद के अंदर उपद्रव करने की पूरी साजिश बहुत गंभीर है, लेकिन राहुल गांधी ने इस पर भी अपना एक अलग राजनीतिक नजरिया बना रखा है। राहुल गांधी को लगता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है और इसीलिए संसद की सुरक्षा में चूक हो गई। क्या राहुल गांधी ने सुरक्षा से जुड़े गंभीर मामले को अपने इस बयान से हल्का कर दिया है, ये बड़ा सवाल है। पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर दिखाते हैं कि बीजेपी ने इस पर क्या पलटवार किया है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वो एक ऐसे युवा नेता है जो कई कई चीजें कह जाते हैं, समझे ना, वो पार्लियामेंट में उनकी पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग, उनकी विचारधारा के साथ जुड़े हुए कुछ लोगों ने वो छलांग मारी है और वो कहते हैं इसका कारण अनएम्प्लॉयमेंट है। अब वैसे किसका कारण क्या होता है इसमें मैं क्या करूं? अब वो टिप्पणी देते हैं, लोग हंसते हैं, अब क्या करें। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी की तरफ से इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राहुल गांधी से कई कठिन सवाल पूछे गए। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 11 अप्रैल 1974 आप ही की परिवार की सरकार थी, दो पिस्तौल लेकर, एक बम जैसी सामग्री लेकर कुछ लोग अंदर चले गए थे पार्लियामेंट की ही इसी पब्लिक गैलरी में, क्या आप मानते हैं, आप स्वीकारते हैं कि ये उस समय की सरकार की बेरोजगारी और महंगाई की वजह से वो चले गए थे? 26 जुलाई 1974, मतलब कुछ ही महीने बाद, एक व्यक्ति खंजर के साथ घुस जाता है पब्लिक गैलरी में, क्या राहुल गांधी स्वीकार रहे हैं कि उस समय की सरकार की जो बेरोजगारी और महंगाई की दर थी वो चरम पर थी, तो इसीलिए खंजर लेकर कोई घुस गया था? अगर इस पूरे मामले पर गौर करें तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि ये आरोपी कहीं ना कहीं एक खास विचारधारा से जुड़े हुए नजर आते हैं।
ये एक ऐसी विचारधारा है जो देश के अंदर बीजेपी का कट्टर विरोध करती है। संसद के बाहर स्मोक स्प्रे के जरिए विरोध करने वाली नीलम नाम की महिला से जुड़े ऐसे कई खुलासे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि ये लोग खास संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ता नजर आते हैं। नीलम का एक ऐसा बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो सरकार का विरोध कर रही है। बीजेपी चल रही है तो हम सत्ता परिवर्तन करेंगे या तो कांग्रेस को ले आएंगे या हम INLD को ले आएंगे। बीजेपी जितना क्रूर है शायद दूसरी जो पार्टियां हैं वो इतना क्रूर नहीं है। वो थोड़ा बहुत जो गरीब किसान है गरीब मजदूर है उनकी कुछ बातें समझती है। अब दिल्ली पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि क्या नीलम किसी संगठन की एक सक्रिय कार्यकर्ता है या फिर चरमपंथी विचारधारा से भी प्रभावित है। नीलम के और कई वीडियो वायरल हैं जिसमें कि वो किसानों के विरोध प्रदर्शन में भी नजर आ रही है। पूरे मामले में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 13 दिसंबर को ही संसद में उपद्रव करने के लिए दिन क्यों चुना गया। 13 दिसंबर वो तारीख है जब पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन ने भारत की संसद पर हमला करवाया था। तो क्या 13 दिसंबर को उपद्रव करने के पीछे मकसद ये था कि तमाम आरोपी 13 दिसंबर की घटना से काफी प्रभावित थे। अगर इन लोगों को सिर्फ विरोध प्रदर्शन ही करना था तो ये लोग किसी और तारीख को भी चुन सकते थे, लेकिन 13 दिसंबर को ही विरोध प्रदर्शन की तारीख के रूप में चुनना देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का संकेत भी करता है। जैसे ही इन परपेट्रेटर्स के तार, इन पार्लियामेंट सिक्योरिटी के ब्रीच करने वाले इंट्रूडर्स के तार, जैसे ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी समर्थित कुछ उग्रवादी रेडिकलाइज वामपंथी संगठनों से जुड़ते जा रहे हैं तो ठीक वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी उनके बचाव में उतर आ रही है। कुल मिलाकर 13 दिसंबर 2023 का यह संसद कांड साबित करता है कि यह सामान्य मामला नहीं है और इसके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड जरूर है जिसने कि इन सभी लोगों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है।